उत्तराखंड के तमाम घोटालों के बीच शहर के डॉक्टर कहां पीछे हटने वाले हैं। अब तो जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंश स्वास्थ्य पर भी फर्जी डॉक्टरों का साया मंडराता हुआ नजर आ रहा है। एसटीएफ को अंदेशा था कि राज्य में ऐसे 36 फर्जी डॉक्टर घूम रहे हैं जो मुन्ना भाई की तरह फर्जी डिग्री पर लोगों का इलाज कर रहे हैं। जिस क्रम में पिछले दिनों एसटीएफ द्वारा दो फर्जी डॉक्टरों की गिरफ्तारी की गई थी और अब 4 नए मामले और निकलकर सामने आए हैं। ये सभी रायपुर क्षेत्र के तुनवाला और रांझावाला क्षेत्र में एमबीबीएस की फर्जी डिग्री के आधार पर अपना क्लिनिक चला रहे थे। इस मामले पर बीते वक्त से निगरानी बनाए हुए एसपी क्राइम सर्वेश पवार ने बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फर्जी डिग्री बनवाने वाले दो हिस्ट्रीशीटर भाइयों का नाम भी सामने आया है, जिसमें से इमलाक खान को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसका बड़ा भाई अभी भी फरार चल रहा है। सूत्रों की माने तो इन दोनों भाइयों ने फर्जी डिग्रियां बेचकर करोड़ों की संपत्ति जुटाई है। जो मुकदमा था 10/1/2023 को थाना नेहरू कॉलोनी में एसटीएफ द्वारा ये पंजीकृत कराया गया था 19/23, जिसमें ये था कि कुल 36 डॉक्टर्स ऐसे पाए गए थे जो फर्जी बीएमएस की डिग्री लेके जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे अलग अलग जगह। तो इसमें जो है कल हमारी टीम ने 4 ऐसे डॉक्टरों को पकड़ा है, जिसमें रोशन कुमार काला जो देहरादून के रायपुर का रहने वाला है, अजय कुमार काला इसी का ही भाई है, ये तीसरा मनोज सिंह नेगी है, ये पुष्प विहार तून वाला ये भी थाना रायपुर से है, और चौथा जो है डॉक्टर अनुराग नोटियाल। तो इन चारों से जब कल हम लोगों ने हमारी जॉइंट टीम ने पूछताछ की तो इनकी ये अपनी डिग्रियाँ और वो सब जो जाँच हुई वो भी वही फर्जी थी। तो इन चारों लोगों को जो है हम अरेस्ट करके आज न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। बाकी इसमें जो मेन है इमलाक मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो इन्होंने पूछताछ में बताया है कि जहाँ से जिससे ये डिग्री बनवाते थे उसके लिए हमारी लगातार कोशिश जारी है।